हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। टुडे आई विल टीच यू अ पोयम, यूनिट 7 सेक्शन सी। द चैप्टर नेम इज माय बेड इज अ बोट। माय बेड इज अ बोट। स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम चिल्ड्रन प्लेइंग विद डिफरेंट टॉयज। इन दिस स्टोरी द चिल्ड्रन ऑफ दिस चैप्टर playing with different toys. What does their choice of toys tell you about them? What does their choice of toys tell you about them? कि बच्चे जब गेम खेलते हैं तो उनका जो टॉयज होता है उसकी चॉइस क्या रहती है, उसकी चॉइसेस क्या होती है? तो शो वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। द चैप्टर नेम इज माई वेड इज ए बोट। माई वेड इज ए बोट। सो लेट्स स्टार्ट टूडे चैप्टर। रिसाइट इन रिजवाइस। पढ़ें और आनंद लें। माय बेड इज अलाइक अ लिटिल बोट। नर्स हेल्प्स मी इन व्हेन आई एम्बार्क। शी गार्ड्स मी इन माय सेलर्स कोट एंड स्टार्स मी इन द डार्क। एट नाइट आई गो ऑन बोर्ड एंड से गुड नाइट टू ऑल माई फ्रेंड्स ऑन शोर्स। आई शट माई आईज एंड सेल अवे एंड सी एंड हियर नो मोर। एंड समटाइम्स थिंग्स टू वेड आई टेक एज प्रूडेंट सेलर्स हैव टू डू। परहैप्स ए स्लाइस ऑफ वेरिंग केक, परहैप्स ए टॉय आर टू। All night across the dark we steer, but when the day returns at last, safe in my room besides the pier, I find my vessels fast. Robert Louis Stevenson. Students, fun to find out the rhyming words of this chapter. It is your homework. You have to find out rhyming words. I help you. My bed is like a little boat. Nurse helps me in when I embark. She guards me in my sailor's coat and starts me in the dark. Boat and coat, embark and dark are rhyming words. Such as in next stanza, say and away and sure and more are rhyming words. Take, cake, do and to are rhyming words. Steer and peer, last and first is a rhyming word. Now I explain it. Listen to very carefully. My bed is like a little boat. The children says that His bed looks like a little boat. उसका जो बिस्तर है, बेड है, वो एक बोट की तरह दिखता है. Nurse helps me in when I embark. Embark means होता है to ride on a boat. To ride on a boat, यानी बोट पर बैठ के सवारी करना या सवार होना, it's called a embark. She guards me in my sailor's coat and starts me in the dark. रात में हम इसको starts करते हैं. Guards means होता prepare. She prepare me in my sailor's coat and starts me in the dark. At night I go on board and see. रात में जब हम लोग and I go on board and see. What I tell good night to all my friends on shore. Shore means bank of river, bank of seas, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे का जो साइड होता है उसको एज भी कहते हैं. बैंक एज आर शोर आर द सिनोनिम्स ऑफ शोर वर्ड. आई शट माई आईज एंड सेल अवे. आई शट माई आईज एंड सेल अवे. गुड नाइट टू ऑल माई फ्रेंड्स ऑन शोर. किनारे जो उसके फ्रेंड्स हैं उसको गुड नाइट बोलता है. एंड आई शट माई आईज, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ. एंड सेल अवे, और नाव को चलाना शुरू करता हूँ, यानी उसको बोट को सेलिंग करता हूँ. एंड सी एंड है एंड हियर नो मोर, और
देखता हूँ कि कुछ सुन ना कुछ देखता हूँ ना कुछ सुनता हूँ। एंड समटाइम्स थिंग्स टू बेड आई टेक, बिस्तर पे जाते समय व्हेन आई वॉज गोइंग टू बेड आई टेक सम थिंग्स समटाइम्स सम थिंग्स एज प्रूडेंट सेलर्स हैव टू डू एंड आई एम वेरी केयरफुल परहैप्स ए स्लाइस ऑफ वेडिंग केक परहैप्स ए ट्वायर टू परहैप्स ए स्लाइस ऑफ वेडिंग केक यानी कुछ खाद्य पदार्थ परहैप्स ए ट्वायर टू और कुछ खिलौने। ऑल नाइट अक्रॉस द डार्क बी स्टीयर ऑल द नाइट अक्रॉस द डार्क बी स्टीयर स्टीयर मीन्स होता है टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग व्हीकल किसी मूविंग व्हीकल नहीं सब जिस व्हीकल को हम मूव कराते हैं उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो डार्क बी स्टीयर मीन्स रात्र में पूरी रात हम उस व्हीकल को कंट्रोल में करते हैं रखते हैं। बट व्हेन द डे रिटर्न्स एट लास्ट और जब व्हेन द सन राइजेस जब सूर्य उगता है मीन्स जब डे होता है सेफ इन माई रूम बिसाइड द पियर पियर मीन्स लॉन्ग स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर शिप शिप के लिए कोई स्ट्रक्चर बना के रख दो वो चीज़ होती है सेफ इन माई रूम बिसाइड द पियर यानी उस स्ट्रक्चर के बिसाइड में सेफ। आई फाइंड माई वेसल्स फास्ट हम अपने वेसल्स को फास्ट पाते हैं तेज चलती हुई वेसल्स को। आई फाइंड माई वेसल्स फास्ट ओनली आई हैव टू रीड दिस चैप्टर आई डिफाइन टुमारो सो इट्स स्मॉल डिफिनेशन फॉर टूडे बस बट ओनली टूडे आई हैव टू रीड दिस चैप्टर ट्वाइस थ्राइस एंड फोर टाइम्स And your homework is write the rhyming words and also words meaning of this chapter. My bed is like a little boat. Nurse helps me in when I embark. She guards me in my sailor's coat and starts me in the dark. At night I go on board and say good night to all my friends on shore. I shut my eyes and sail away and see and hear no more. And sometimes things to wet I take as prudent sailors have to do. Perhaps a slice of wedding cake, perhaps a toy too. All night across dark we steer, but when the day returns at last, safe in my room beside the pier, I find my vessels fast. So I will describe you about some words meaning embark. Embark means to ride on a boat. To ride on a boat means boat par sawar hona, chadhna. Guards, G-I-R-D-S means prepare. Guards means prepare. Next word is shore. Shore means edge or bank of a river. Edge or bank of a river means shore. Kinara. Here means to listen. Here means to listen. Sunna. Shut means close. Shut means close. Sail means to sailing boat. And to driving boat, to moving boat. And sometimes things to be very prudent. Prudent means careful. Prudent means careful. Or to sensible. Have to do. Perhaps means probably. Perhaps means probably. P-R-O-B-A-V-L-Y, probably, शायद, a slice of wedding cake, perhaps a toy or two, all night, across the dark, dark means dense, black hole, काली चीजें, अंधेरा, we steer, steer means, अभी बताया, to control the direction of a moving vehicle, To control the direction of a moving vehicle, steer. But when the day returns, at last safe in my room, besides means, which is near you, which is nearing you, जो आपके बगल में हो, पास में हो. And the pier, pier means a long structure built for ship. A long structure built for ship. I find my vessels fast. Vessels means buoys. V-O-Y-A-Z-E. B-O-Y-A-Z. Buoys means vessels means samudri jahazon ko hum vessels kehte hain. Ship means jahaz. Vessels means samudri jahaz. So the students learn these difficult words meaning
एंड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने इन योर CW कॉपी एंड ऑल्सो राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज यू नो दैट द चैप्टर नेम इज माई बेड इज अ बोट. माई बेड इज अ बोट. And in this chapter, some children playing with different type of toys. And what does their choice of toys tell you about them? Means some students choices different type of toys. हर एक बच्चे की choices अलग होती कि वो किस toys से play करेगा, किस toys को लेकर play. कोई carrom board, कोई ludo, कोई video game. तो there are many types of toys. So once again, look at these pictures. 1, 2, 3, 4 and four boys or children are playing with different type of toys. So in this story, the children are playing with different type of toys. Different type of toys. Toys means khilaune. Toys means khilaune. So the students, I will explain it by tomorrow and some exercise. Thank you.